काज शुरू कर दिया है। समस्तीपुर में एक साथ 30 शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया है। मुजफ्फरपुर में भी यूपी के 17 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। बेगूसराय की अगर बात करें तो यूपी के 4 शिक्षक ने यहां पर इस्तीफा दिया है। केंद्रीय विद्यालय और दूसरी नौकरी कारण बताया गया है। डीईओ ने अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। रशनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रशनीश, आखिर वजह क्या कि बड़ी संख्या में जो यूपी के शिक्षक हैं वो उन्होंने इस्तीफा दिया है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय और दूसरी नौकरी का भी कारण बताया जा रहा है, तो क्या ये पहले चीजें जांच में नहीं आई? बिल्कुल, देखिए राहुल, जो अधिकारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वो अब कारण तलाश करने में जुट गए हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटे के भीतर राज्य में लगभग 100 से ज्यादा जो नवनियुक्त टीचर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सबसे अधिक समस्तीपुर की जो बातें हैं सामने आई है, क्योंकि समस्तीपुर में एक साथ 30 नवनियुक्त टीचर ने एक साथ जो है इस्तीफा दिए हैं, और डीओ को उन्होंने पत्र भी सौंप दिया है, हालांकि इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ है। जबकि मुजफ्फरपुर में भी 17 टीचर जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ मधुबनी और दरभंगा में भी कहा जा रहा है लगभग 2 से 3 की संख्या शिक्षकों की, और वैशाली में भी टीचर जो है वो इस्तीफा दिए हैं। और बेगूसराय की बात अगर है तो बेगूसराय में जो बिहार के टीचर हैं लगभग उनकी संख्या 4 है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। यहाँ पर ये कारण माना जा रहा है कि जो के पाठक हैं वो कड़ाई कर रहे हैं, और समय पर स्कूल जाना और समय से स्कूल से जाना, तो कुल मिलाकर कड़ाई को देखकर जो है बेगूसराय में 4 शिक्षक जो है वो इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन बाकी जो यूपी के टीचर हैं जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है वो इस्तीफा दिए हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में चयन होना या अन्य नौकरी में जो है सिलेक्शन होने की जो है वजह बताए हैं। तो निश्चित रूप से अब जो है अगले 48 घंटे में ये इंतजार करना होगा कि आखिर किनका रिजल्ट आया है और कितने लोग इस्तीफा दे पाते हैं। जी राहुल जी, चलिए शुक्रिया रशनीश इस जानकारी के लिए आपका। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें। इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। समस्तीपुर में एक साथ 30 शिक्षक ने